हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत और आप सबका गीत किचन में स्वागत है। आज हम दही पापड़ी चाट बनाएंगे। चाट बनाना तो बहुत आसान है, बस इसकी प्रिपरेशन अगर आप पहले से करके रख लें, जैसे कि आप पहले से पापड़ी बना के रख लें और चटनियों को भी आप पहले से बना कर तैयार कर लें, तो चाट बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे पहले हम चाट के लिए पपड़ी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम गेहूँ काटा लिया है। इसकी जगह पे आप 150 ग्राम मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें हम 2 छोटे चम्मच भुनी हुई सूजी ऐड करेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे और इसके साथ ही आधा छोटा चम्मच नमक, और सभी चीज़ों को आटे के साथ अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को मिला लेने के बाद अब इसमें 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल को यहाँ पे गरम नहीं करना है, इसे इसी तरह इसमें ऐड करना है। यहाँ पर मैंने इस 1 बड़े चम्मच का इस्तेमाल किया है तेल ऐड करने के लिए। अब तेल को आटे के साथ अच्छे से मसलते हुए मिला लेंगे। मोयन के लिए यहाँ पर ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो पापड़ी बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएगी और खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तेल मिला लेने के बाद आटे को मुट्ठी में इस तरीके से बांध के देख ले। आटा हल्का सा बंधा हुआ होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी ऐड करेंगे और इसका हल्का सख्त आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लेने के बाद मैंने इसका हल्का सख्त आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब इसे कवर करके करीब 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर डो को अच्छे से एक बार मसल लें। अब इसमें से एक बड़ा सा पोषण निकालेंगे और इसे हाथों से मसल कर इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। अब पाटे के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसकी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। रोटी ज़्यादा मोटी या पतली नहीं बनाना है। जिस तरीके से हम पूरी के लिए बेलते हैं, ठीक उसी तरीके से इसे भी बेल लेना है। रोटी को मैंने बड़े से आकार में बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढक्कन से या कटोरी से इस तरीके से काट लेंगे और इसकी छोटी छोटी पापड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। पूरियों को कटोरी से काट लेने के बाद इसके किनारों को इस तरीके से निकाल कर अलग कर लें और अब इसके ऊपर हम नाइफ से या फोक से इस तरीके से इसमें इम्प्रेशन बना लेंगे। ऐसा करने से पूरियां फ्राई करते समय फूलेगी नहीं। अब इसी तरीके से पहले सभी पूरियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी पूरियों को बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को हमें मीडियम हॉट गरम करना है। तेल गरम हुआ है कि नहीं इसे चेक करने के लिए डो में से छोटा सा पोर्शन को तेल में डाल लें। 5 से 6 सेकंड के बाद ये तेल के ऊपर आ गया है। तेल हमारा बिल्कुल सही गर्म हुआ है। अब इसमें हम एक एक करके पूरियाँ डालेंगे। जितनी बड़ी कढ़ाई है उस हिसाब से इसमें पूरियाँ को डाल लें। पूरियों को तेल में डाल लेने के बाद इसे चम्मच से इस तरीके से हिला लें और इसे 1 या 2 बार इस तरीके से पलटते जाएं। पूरियों को फ्राई होने में करीब आधा से 1 मिनट का ही समय लगेगा। जब पूरियाँ अच्छे से फ्राई हो जाए और ये अच्छी क्रिस्पी हो जाए, इसे निकाल लें और इसी तरीके से बाकी सभी पूरियों को फ्राई करके तैयार कर लें। सभी पूरियों को फ्राई कर लेने के बाद पापड़ी चाट के लिए क्रिस्पी और क्रंची पापड़ी बनकर तैयार है। इन पापड़ियों को आप पहले से फ्राई करके एयर टाइट कंटेनर में कई दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम पापड़ी चाट बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ताज़ा दही लिया है। दही को पहले एक बार छलनी से छान कर निकाल लें। अब इसमें हम सबसे पहले 1/4 टीस्पून सादा नमक ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें 2 छोटे चम्मच पीसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। इसके बाद अब इसमें 1/4 टीस्पून भुना पिसा जीरा ऐड करेंगे और 1 पिंच काला नमक ऐड करेंगे। इतनी चीज़ें ऐड कर लेने के बाद इसे अच्छे से मिला लें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब एक प्लेट ले लें और इसके ऊपर करीब 10 से 12 पापड़ियों को इस तरीके से रख लें।
पापड़ियों को प्लेट में रख लेने के बाद अब इसके ऊपर सबसे पहले करीब 2 से 3 बड़े चम्मच दही डाल लें। दही को पापड़ी के ऊपर अच्छे से फैला लेने के बाद अब इसके ऊपर हम उबले हुए और छोटे टुकड़ों में कटे हुए आलू डालेंगे। यहाँ पर आलू की जगह पे आप उबले हुए चने भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम करीब 1 या 2 छोटे चम्मच बारीक कटी हुई खीरा ककड़ी डालेंगे और इसके साथ ही बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर के बीजों को मैंने अलग निकाल लिया है। टमाटर के बाद अब इसमें हम करीब 1 या 2 छोटे चम्मच अनार के दाने डालेंगे। अब इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच बारीक कटा प्याज डालेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम करीब 1 पिंच काला नमक डालेंगे। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर और 1/4 टीस्पून भुना पिसा जीरा डालेंगे। सभी चीज़ों को चाट के ऊपर अच्छे से फैलाते हुए इसमें डाल लें। इतनी चीज़ों को डाल लेने के बाद अब इसके ऊपर 2 से 3 छोटे चम्मच हरा धनिया की तीखी चटनी डाल लें। चटनी ज़्यादा पतली नहीं होना चाहिए, इसे गाढ़ी ही बनाएं। और इसके साथ ही इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच गुड़ और इमली की चटनी भी डाल लें। चटनियों को डाल लेने के बाद अब इसके ऊपर हम फिर से करीब 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे। दही के बाद इसके ऊपर आप अपनी पसंद से कोई भी चटनी डाल सकते हैं, हरी चटनी या गुड़ इमली की चटनी। इसके साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा अनारदाना और थोड़ा सा प्याज और डाल लें। अगर आपके पास बारीक सेव हो तो चाट के ऊपर थोड़ी सी बारीक सेव भी डाल सकते हैं। तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार तीखा चटपटा पापड़ी चाट। इसे आप शाम के टाइम पे बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसे आप ज़रूर बनाइए और सभी के साथ खाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।